हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने वाले हैं मुरमुरे के लड्डू, जिन्हें कि लाई के लड्डू भी कहते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत कम सामान से ये बनकर तैयार होते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 3 कप मुरमुरे और 1 कप गुड़। ये इसका रेशो एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले हम मुरमुरों को ऐसे ड्राई थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि अच्छे से फूल जाएंगे और उससे हमारे लड्डू बहुत बढ़िया बनेंगे। अगर ये थोड़े थोड़े गीले होंगे तो लड्डू खाने में उतने अच्छे नहीं लगेंगे। ये हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 कप गुड़। इसी के साथ इसमें डालूँगी 2 चम्मच पानी, जिससे कि गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा। गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, जिससे कि ये जल्दी पिघल जाएगा और इवनली कुक भी होगा। हम इसे लगातार चलाएंगे। गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है। ये देखिए, इसमें झाग आ गई है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच घी, जिससे कि इसमें अच्छी सी शाइन आ जाएगी। मार्केट में जो लड्डू मिलते हैं उसमें भी वो लोग तेल या घी का यूज़ करते हैं। इसे लगातार हम चलाएँगे। ये देखिए, ये थोड़ा फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। हम चेक कर लेते हैं कि ये परफेक्ट है कि नहीं। हम एक बाउल में पानी में थोड़ा सा ये डालेंगे। अगर ये फैलता नहीं है, एकदम बैठ जाता है, तो हमारी चाशनी एकदम रेडी है। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारे मुरमुरे। सारे मुरमुरे हमें एक साथ मिला देने हैं और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, जिससे कि सारे मुरमुरों में गुड़ अच्छे से लग जाए। ये देखिए इस तरह। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। अब हम इन्हें लड्डू बनाएंगे। हम हाथों को पहले थोड़ा सा पानी से, मैंने ग्रीस कर लिया था ठंडे पानी से, जिससे कि ये हाथों में चिपकेगा नहीं, और हल्के हल्के हाथों से हमें लड्डू भी बनाने हैं इसी तरह। ये देखिए, मैं आपको एक और लड्डू बना के दिखाती हूँ। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है, ये काम हमें जल्दी करना है। अगर ये गुड़ ठंडा हो जाएगा तो ये लड्डू बनेंगे नहीं। ये देखिए, मैंने लड्डू बना लिए हैं। अब मैं आपको इसे एक प्लेट में भी सेट करना दिखा देती हूँ, जैसे कि हम चिक्की बनाते हैं। मैंने एक प्लेट में पहले से घी लगा लिया था। अब इसमें मिक्सचर को उसमें फैला लूँगी। घी लगाने से ये इसमें चिपकेगा नहीं और अच्छे से बाहर निकल जाएगा। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम आराम से निकल के बाहर आ गया है। आप इस मिक्सचर से चिक्की या लड्डू कुछ भी बना सकते हैं। वैसे बच्चों को लड्डू ज़्यादा पसंद आते हैं। ये देखिए, एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।